शुरुआत को लेकर आयुष उपाध्याय ने की प्रेस वार्ता। लखनऊ के कई क्षेत्रों में शूटिंग का दौर जारी। लखनऊ खुर्रम नगर कंच लाज में मुंबई के फिल्म प्रोडक्शन कंपनी राधे मोहन फिल्म के संस्थापक अखिलेश कुमार उपाध्याय के पुत्र आयुष उपाध्याय लखनऊ में एक फिल्म तेरे खातिर की शुरुआत की है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय अमन यादव कर रहे हैं। बताया उनकी फिल्म सीक्रेट और पॉकेट मार जल्द ही दर्शकों के बीच आने वाली है, जो कि आज उनके बेटे ने एक म्यूजिक कंपनी की शुरुआत की है और म्यूजिक कंपनी का पहला वीडियो सॉन्ग रिलीज हुआ जिसका नाम है तेरे खातिर। जो आर्ट होती है और एक कमर्शियल मूवीज होती है, आर्ट के उसके बारे में क्या कहना है आपका और क्या आपको लगता है कि आर्ट में भी आपको आने वाले समय में आप उसमें भी आप अभिनय करना चाहोगे? बिल्कुल करना चाहूँगा, कॉमर्शियल आर्ट और वेब सीरीज में मैं बिल्कुल करना चाहूँगा। क्या है कि सही रास्ता, हर फिल्मों में दो रास्ते दिखाए, एक सही और एक गलत, तो युवा सही रास्ता ना चुन करके गलत रास्ता चुनते, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये बेशक है। देखिए, हर इंसान के जहन में हमेशा चकाचौंध की जिंदगी जीना ही सबसे बड़ा अपने सपनों की जिंदगी मानती है, लेकिन ये आप जान लीजिए कि चकाचौंध की जिंदगी का एक अस्थायी रास्ता तो कुछ नहीं होता है। कठिन परिस्थितियाँ जो होती हैं उसके द्वारा जो इंसान आगे जाता है, आज उसका परचम एक पुस्त से लेकर दूसरे पुस्त के लिए भी एक इतिहास बनता है। इसलिए लोगों के मन में जो चीज़ें आएंगी, आम पब्लिक उस चीज़ों को अगर देखेगा तो उनके जहन में आएगा कि नहीं, गलत गलत होता है, सही सही होता है। कब तक के इस फिल्म का लॉन्च होगा? अभी मान के चलिए कि अभी तो कि जो 70-75 जो शूट हो चुका है, अब इसके बाद जो मान के चलिए कि हम लोगों की जहाँ तक उम्मीद है कि 2022 के जनवरी तक आ जाएगी, रिलीजिंग आ जाएगी। थैंक यू सर। बनाना एक बड़ा आसान चीज़ होता है, बट सिनेमा के माध्यम से समाज को कुछ देना एक बड़ी कठिन चीज़ है। जो आज के विगत कई सालों से समाज को देने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, एज ए मैं राइटर भी हूँ डायरेक्टर भी हूँ, तो जहाँ तक समाज को देने के लिए अगर हम सिनेमा बना रहे हैं तो सिनेमा देख करके लोग रोने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, हंसने लगते हैं, तमाम ऐसी एक्टिविटी आ जाती है, ड्रेसेस चेंज कर देते हैं, तो अगर समाज हमारा उसको इतना लाइक करता है तो समाज को हम कुछ ऐसा परोसें कि उनकी आने वाली पीढ़ियों की, उनकी आने वाले समय के, उनके आने वाले बच्चों की एक भविष्य बने, उस भविष्य का उजागर हो, ये हमारा सिनेमा बनाने का मेन कारण है। इसलिए मैंने एक क्राइम को ब्रेक कैसे हो, आज के डेट में हर 16 से लेकर 25 साल के बीच में ही क्राइम के लोग पाए जा रहे हैं। वह क्राइम क्यों करते हैं? उनके माँ बाप की गलती है कि उनकी शिक्षा व्यवस्था की गलती है कि उनके इष्ट मित्रों की गलती है, उनकी समाज की गलती है, या राजनेताओं की गलती है, या पुलिस प्रशासन की? इतनी अपेक्षा रखते हैं, कितना प्रभाव डालेगी आपके आम जनमानस पर? देखिए, आप लोगों की मदद से तो मुझे 100% यह अपेक्षा है और यह दृढ़ निश्चय है कि हमारी सिनेमा को लोग जरूर देखेंगे और देखने के बाद एक अपनी अहम रास्ता जरूर अपनाएंगे और देश के साथ एक ईमानदार, एक प्रतिभावान बन करके इस देश के साथ, इस भारत माँ की मिट्टी में अपने आप को